गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ का मेकअप लुक। आपको जैसा कि पता ही है कि करवा चौथ आने ही वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ एक लुक शेयर किया जाए। सो गाइस ये वाला जो मेकअप लुक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो न्यूली मैरिड लेडीज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में जिनकी अभी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई होगी और अगर वो भी करवा चौथ कर रहे हैं तो वो ये वाला लुक जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड करवा चौथ के लिए जो भी मैरिड वुमेन है, वो सारी वुमेन ये वाला जो लुक है काफी इजी पीजी सा लुक है, आराम से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला जो लुक है ना अच्छा लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है, यानी कि ये वाव स्किन साइंस का हाइलुरोनिक एसिड है। ये एक वाटर जेल फॉर्म में आता है, काफ़ी अच्छा है फॉर प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर एंड ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है। सो इसी ही मैं अप्लाई कर रही हूँ एज माई प्राइमर एज माई मेकअप बेस। नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है फाउंडेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 115 यानी कि आइवरी। इसे मैं डॉटिंग मोशन में अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी एंड यहाँ पे मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, उसी को मैं अपने आईज अराउंड भी अप्लाई कर लूँगी एंड एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी फेस में। देन यहाँ पे अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज गोल्ड लूज पाउडर। इसे मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी अपने फेस में डैबिंग मोशन में ही एंड उसके बाद मैं उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी। अब बढ़ते आई मेकअप में, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जेम्स चार्ल्स का आई शेडो पैलेट एंड यहाँ से मैं ये कोरल पिंक शेड यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करने में, तो मैं अच्छे से इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही अपने क्रीज लाइन में अप्लाई करके इसे अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऑरेंजिश रेडिश शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं ओवरऑल अपने आईलिड में अप्लाई कर लूँगी और अंडर आइज में भी इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, लोअर लैश लाइन में भी। इसके बाद यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ इन द शेड रोज गोल्ड एंड इसे मैं अपने फुल आईलिड में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टेक वर्की का ही बैड एज काजल और इसे मैं अच्छे से थोड़ा डार्क ही अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी और अपने टैग लाइंस में भी इसे लगा लूँगी ताकि जो आँखें हैं बड़ी लगें।
उसके बाद यहाँ पे मैं जो आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ है डैजलर का आईलाइनर। ये मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, बहुत डार्क है एंड स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छा है, कुछ 60 to 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। इससे मैं बना लूँगी एक छोटा सा विंग आईलाइनर। जब तक मेरा आईलाइनर सूख रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिपस्टिक लगा लूँ, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शुगर लिपस्टिक इन दी शेड 10। ये है एकदम क्वाइट ऑरेंजिश रेड शेड है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में इसको अप्लाई किया है। ये शुगर की समझ में नॉट लिक्विड लिपस्टिक। उसके बाद मेरा जो है आईलाइनर सूख गया था, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। काफ़ी अच्छा मस्कारा है गाइस, ट्रस्ट मी, डू ट्राई इट। बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फेक लैशेस, ये हुडा ब्यूटी का है इन दी नंबर 041। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये डोडा गोल्ड का 2-in-1 हाईलाइटर का माई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये हाईलाइटिंग शेड लूँगी एंड एक नॉर्मल ब्रश से मैं इसे अपने टी जोन में अप्लाई करूँगी एंड साथ ही साथ में अपने चीक बोन्स में भी अप्लाई कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो पेंसिल इन दी शेड ब्राउन। ये ग्रेस ब्राउन शेड में है, काफ़ी अच्छे लगता है। आपकी आईब्रो कोई भी कलर की हो, ये वाला आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसे मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, तो बस या इसको मैंने अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रो को कॉम कर लूँगी एंड मेरी आईब्रो है बहुत ग्रूम लगेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम डोडो पैलेट में से एक कोरल पिंक शेड लिया है मैंने एंड उसे ऐसा ब्लश अप्लाई कर लिया। अब जो करवा चौथ का मेकअप है इसे 5 से 6 घंटे तो रखना ही है ना गाइस, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर ले रही हूँ। आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हो। और चलिए अब कर लेते हैं 16 श्रृंगार हमारे करवा चौथ के लिए।
काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बाजू में जो छोटी सी जो घंटी है ना उसे भी बजाना ना भूले ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और साथ ही साथ में अगर आप मेरे गिव अवे में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है आप लोगों ने तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको कहीं ना कहीं आई बटन में भी पिन कर दूंगी और साथ ही साथ में मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू लेडीज आई मीन बाय।